सरस्वती महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर यूनिट नंबर एक चैप्टर नंबर तीन वैसे संख्या में दो क्रमचय समूह के बारे में अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हुए थ्योरेटिकल पोर्शन भी आगे बताता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ। दो तरह के क्वेश्चन बचे हैं वैसे, इसमें ज्यादा कोई भी वो नहीं है। इसमें अपने सबसे पहले सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा का मान ज्ञात करना है, जहां पर रो का मान है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, सात आठ नौ छह चार पांच दो तीन एक, ये रो का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन अपने को जो लिखा हुआ वो ऐसा कैसा ही है, तथा सिग्मा बराबर एक तीन चार पांच छह दो सात आठ नौ। तो ये अपने को ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, लगभग पूरा वीडियो इसी में निकलेगा। दो तरह के क्वेश्चन में ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन समझ लो आप, उसके बाद पूरा चैप्टर अपन कर सकते हैं। फिर मैं नई यूनिट स्टार्ट करवाऊंगा, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है शायद वो थोड़ा सा बता के एक आधा वीडियो करवा के फिर नई यूनिट स्टार्ट करवाऊंगा। तो ये अपने समूह के अंदर तीन चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है समूह, और दूसरा नंबर चैप्टर है उपसमूह, और तीसरा नंबर चैप्टर दे रखा है प्रसामान्य क्रमचय समूह। दो चैप्टर पूरा 100% कर लेने चाहिए, अभी तक का रिकॉर्ड है कि इसी में से क्वेश्चन आता है। और ये दिखती सी बात है कि अगर मान लो इस बार चेंज हो गया और इन दोनों में से आ गया तो अपन ये वाला चैप्टर भी करने वाले हैं जस्ट इसके बाद ही। हाँ, छूट इसलिए दे सकता हूं कि एक बार एक या दो वीडियो बनाकर स्टॉप कर दूंगा और उसके बाद अपन बाद का काम नई यूनिट के बाद में कर लेंगे। लेकिन मेरी राय यही है कि इसके भी लगे आप कंप्लीट कर लो, जब आपने इतना बिखेर ही दिया तो समेटने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उपसमूह को भी क्या है मैं साथ ही कंप्लीट कराऊंगा, उससे पहले सिंपल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। वैल्यू अच्छी तरह देख लो अपने को क्या निकालनी है, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 1 2 3 4 9 वगैरह ये दी हुई है। तो पहले अपने को काम क्या करना पड़ेगा, सिग्मा को इंटरचेंज करना पड़ेगा, सिग्मा को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा नंबर काम क्या है, सिग्मा इनवर्स भी निकालना है। ये दो काम पहले कर लेते ताकि अपने को कैलकुलेशन में कोई भी तरह की समस्या ना आए। सिग्मा को पहले चेंज करना पड़ेगा ऊपर और नीचे लिखा हुआ, कहने का मतलब क्या है, सिग्मा एक लाइन में लिखा हुआ है तो इसको अपन क्या करेंगे ऊपर नीचे वाली टेक्निक में परिवर्तित कर लेंगे। परिवर्तित करने से जो आएगा उसका इंटरप्रेट कर देंगे इनवर्स, फिर उसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देंगे। सिग्मा को चेंज करने के लिए तीन ब्रैकेट ड्रॉ कर लो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये लाइन खींच देता हूं। सिग्मा को करने के लिए तीन ब्रैकेट ड्रॉ कर लिए, सारी वैल्यू लिखनी है अपने को, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। वैल्यू के नीचे सभी लिखते जाओ, एक की इमेज तीन है, तीन की इमेज चार है, चार की इमेज एक है, बाकी एज इट इज लिख दो, पांच छह सात आठ नौ, पांच की इमेज छह और छह की इमेज पांच, उसके अलावा जो भी बचे वो एज इट इज लिख दो, दो की इमेज सात, सात की इमेज आठ, आठ की इमेज नौ, नौ की इमेज दो। वैल्यू सभी आपने पुटअप कर दी, अब सिग्मा का वैल्यू निकाल लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। वैल्यू निकालने के लिए इमेज चेक करो, एक की इमेज एक, एक की इमेज एक और एक की इमेज तीन, दो की सात, सात की सात, सात की सात, तीन की तीन, तीन की तीन, तीन की चार, चार की चार, चार की चार, चार की एक, पांच की पांच, पांच की छह, छह की छह, छह की छह, छह की पांच, पांच की पांच, सात की आठ, आठ की आठ, आठ की आठ, आठ की नौ, नौ की नौ और नौ की नौ। अब बची हुई टर्म आनी चाहिए नौ की दो, दो की दो, दो की दो। आराम से टैली कर लो, ऊपर वाली चीज तो क्रम से लिखी हुई होनी चाहिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नीचे वाली में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्ट
आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा तसल्ली से बता रहा हूं मैं, घबराने की बात नहीं है, वही काम करना पड़ेगा। कल भी क्वेश्चन कराया था, हालांकि इससे छोटा था, लेकिन क्वेश्चन वही है। सिग्मा की वैल्यू हमें इस टर्म में दी हुई है एक लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं क्रमचय का पक्षांतरण करना। इसको अपने को हर हाल में इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, ऊपर नीचे लिखा हुआ। इसको पहले इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, ऊपर नीचे लिखा हुआ। तो सिग्मा का मान तीन ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट है उतने ब्रैकेट खोल लिए और वैल्यू पुट कर दी, 1 2 3 4 9 1 2 3 4 9 1 2 3 4 रो में वैल्यू आ जाएगी। एक की में 3 है, 3 की 4, 4 की 1, 1 की 3, 3 की 4, 4 की 1, और बाकी एज इट इज लिख दो अगर नहीं है तो। अगर मान लो बाकी की कोई भी इमेज नहीं मिल रही है, ये वर्ड कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट तत्सम अवयव। इसी प्रकार 5 की इमेज 6, 6 की 5 है, वैल्यू पुट कर दो 5 की 6 और 6 की 5 और बाकी एज इट इज लिखे जाएंगे, ये वर्ड कहलाता है तत्सम यानी आइडेंटिटी। लास्ट 2 7 8 9, 2 की 7 7 की 8, बिल्कुल इजी वे में कर लोगे। इन सब का मर्ज कर दिया, एक बना लिया। इमेज देखने का तरीका पहले यहां से शुरू हो जाएंगे, एक की इमेज 1, 1 की 1 और 1 की 3, तो 1 के नीचे 3 लिखा जाएगा, 2 की 7 7 की 7 7 की 7, तो 2 की 7 लिखा जाएगा, 3 की 3, 3 की 3, 3 की 4, तो 3 की 4 लिखा जाएगा, 4 की 4, 4 की 4 और 4 की 1, तो 4 की 1 लिखा जाएगा। इस प्रकार से क्या है कि हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अपने को क्या निकालना है, सिग्मा इनवर्स। तो सिग्मा इनवर्स निकालने का तरीका मैंने बहुत ही बढ़िया बताया था, ये वैल्यू क्या बताई थी वही 1 2, उसको पलट दो, पलट दोगे तो 3 7 4 1 6 5 8 9 2 आएगा, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएंगे। अब वापस अरेंज कर लो अच्छी तरह, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के नीचे 4 है, 2 के नीचे 9 है, 3 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 3 है, 5 के नीचे 6 है, 6 के नीचे 5 है, 7 के नीचे 2 है, 8 के नीचे 7 है और 9 के नीचे 8। आराम से चेक कर लो सिग्मा इनवर्स की वैल्यू, वापस आपने अच्छी तरह पुट कर दी। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, इसको सिग्मा इनवर्स के लिए ये चीज तो ऊपर लिख दो, ऊपर वाली चीज नीचे लिख दो, पलट दो इसको। पलटने के बाद रीअरेंज कर लिया तो अपने पास में सिग्मा भी है, सिग्मा इनवर्स भी है। सभी वैल्यू को पुट करके निकाल लेते, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैल्यू निकालनी है सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैल्यू सबसे पहले सिग्मा इनवर्स लिखी जाएगी, 491 36 52 78। अगली वैल्यू रो की लिखनी है, रो दिया हुआ 7 8 9 6 4 5 2 3 1। अगली वैल्यू है सिग्मा की, केवल सिग्मा ये लिखा हुआ 374 165 892। ये वैल्यू आप सभी लिखने के बाद मैं इसको मिटा देता हूं, आपके बोर्ड पर एकदम क्लियर तीनों वैल्यू जूम करके चेक कर लेना, साथ में कर ही रहे होंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना आंसर है। वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मैं निकाल देता हूं, फिर एक बार फिर समझा दूंगा। 1 की इमेज 3 3 की 9 9 की 8, 2 की 7 7 की 2, 2 की 9, 3 की 4, 4 की 6 6 की 5, 4 की 1 1 की 7 7 की 2, 5 की 6 6 की 5 और 5 की 6 6 की 5, 5 की 4 4 की 3,
सात की आठ, आठ की तीन, तीन की एक, आठ की नौ, नौ की एक, एक की चार, नौ की दो, दो की आठ और आठ की सात। वैल्यू वापस चेक कर लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ पूरा लिखा हुआ है, ऊपर एक दो तीन चार है ही, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसको मल्टीप्लाई समझाकर क्लोज कर रहा हूं, नया क्वेश्चन लिखूंगा। वैल्यू के लिए रिवर्स में स्टार्ट हो जाएंगे, रिवर्स में रो सिग्मा जो दिया हुआ है उसको एज इट इज उतार लो, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा है, एक की तीन, तीन की नौ, नौ की आठ, तो एक की चार लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे नौ का निकालना है तो नौ की दो, दो की आठ और आठ की सात, तो ये नौ के नीचे सात लिखा जाएगा। तो सब काम आपको अच्छी तरह करवा ही दिया। इसका क्रम से गुणन के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, एक की आठ, आठ की चार, चार की दो, दो की नौ, नौ की सात, सात की एक, बंद कर दो, क्योंकि पहले से आ चुका है। कौन सा नहीं आया, एक दो तीन नहीं आया, तीन की में पांच, पांच की छह, छह की तीन, बंद कर दो, एक अंक दो बार आएगा ही नहीं। वैल्यू कौन सी नहीं आई, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नहीं आया, नौ की में सात और सात की नौ। चार के दो नौ भी आ गया, तो ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ सारे कंप्लीट आंसर। और शॉर्ट में लिखना हो तो एक सात, एक नौ, एक दो, एक चार, एक आठ, तीन छह और तीन पांच, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला चैप्टर इसमें ये देखेंगे उपसमूह, उससे पहले एक क्वेश्चन और लिख के और ये चैप्टर मैं एक बार शुरू करवा दूंगा। शुरू करवाने के बाद इसमें क्या है कि आगे का काम करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक है, सभी अंक छोड़ लें, एक दो तीन चार, एक तीन चार दो, रो इनवर्स का मान निकालना है। अभी थोड़ा हिंट बता देता हूं, उसके बाद ये सभी काम पूरे कंप्लीट कर लेना। इसमें एक की वैल्यू दी हुई है, वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर वन, दो वैल्यू निकालनी है, ए में ए स्क्वायर निकालना है और बी में ए की पावर चार निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी वैल्यू निकालेंगे तो बिल्कुल आराम से निकलेगा। इनमें वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, रो की वैल्यू वन टू थ्री फोर है, वन थ्री फोर टू लिखा हुआ, रो की वैल्यू जो भी लिखी हुई है उसमें निकालना है। रो इनवर्स जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, सिग्मा निकालने के बाद क्या किया, उसको पलट दिया, एक से लिख लिया। तो इसका आंसर लिखने के लिए रो इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तीन चार दो और नीचे एक दो तीन चार, रो इनवर्स के लिए ऊपर अरेंजमेंट कर देना और नीचे वाली चीज एज इट इज लिख देना, जो भी उसके नीचे इमेज बना रही है, यह प्रतिबिंब कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, इसको आप अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लो, एफ की वैल्यू ये दी हुई है, जी की वैल्यू है चार और पांच, एफ डॉट जी और जी डॉट एफ निकालना है। इनको निकालने के लिए क्या करोगे, वही बात है जो कल और आज दोनों तरह की क्वेश्चन में आ गई थी। जब कोई सिंगल लिखा हुआ है तो अपने को ऊपर नीचे वाली वैल्यू चाहिए ही चाहिए, उसके लिए पहले एफ को परिवर्तित करना पड़ेगा। एफ की वैल्यू दी हुई है एक दो तीन और जी की वैल्यू दी हुई है चार और पांच, अपने दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाएगा कि पांच अंक तक ये नंबर चलेंगे, ये दिखती सी बात है। तो एफ को लिखने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, एक दो तीन चार और पांच तक ले गया,
उसके बाद में एक की इमेज कितनी एफ में देखना है केवल, एक की इमेज दो है, दो की तीन है, तीन की एक है, चार और पांच से कोई मतलब नहीं है, इसमें चार और पांच है ही नहीं, तो ये आइडेंटिटी लिखे जाएंगे चार के नीचे चार और पांच के नीचे पांच, ये वर्ड कहलाता है आइडेंटिटी। ठीक है, इसी प्रकार जी की वैल्यू निकालो, जी की वैल्यू चार और पांच लिखी हुई हो बोले उससे मतलब नहीं, अपने को एक दो तीन चार पांच पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें इमेज दी हुई है चार की इमेज पांच और पांच की चार और एक दो तीन एज इट इज है। अब अपना काम कंप्लीट है, ये आप लोग खुद ही करेंगे, जी डॉट एफ दोनों निकालना, सभी तरह के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। चैप्टर फिनिश नहीं कर रहा, कल आधा वीडियो इसका जरूर बनाऊंगा, लेकिन पहले उपसमूह स्टार्ट कर रहा हूं। उपसमूह स्टार्ट करने के बाद जब भी वीडियो में थोड़ा सा टाइम बचता है 5-10 मिनट का, उस समय एक क्वेश्चन इसका दोबारा लेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना, एक टेबल बनाने वाला क्वेश्चन केवल रह गया, वो एक बार करो। एग्जांपल नंबर 10 है जेपीएच में, जहां तक बिल्कुल अच्छी तरह याद करूं, नए चैप्टर के साथ अगला वीडियो आएगा। थैंक यू।